स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, शेम, आज तक नहीं गए, शेम, शेम, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है, शेम, शेम, शेम। मैंने 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 मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे हैं तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे। बैठे नहीं है, चुपचाप करिए सर। पूरे सब खड़े होंगे। सर, कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, सम्मान करे प्लीज, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा। मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, ये ही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में, मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द
सवाल पूछा। बैठो। जैसे जैसे सर जी सर जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान है, इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का मणिपुर। अरे दो भाग के हैं, शर्म करिए जी। माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें प्लीज प्लीज। मणिपुर हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। एक अरे भाई क्या बात है, क्यों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं सर? सर ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में, वो जी बात किया है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले 7 दशक के चारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में क्या हुए है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है, नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने किया है, आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं प्रॉब्लम, अच्छा बात करते हैं, आज नॉर्थ ईस्ट में सारा घटना मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी इसकी वजह से चला हुआ है। बालू जी प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसे सदन नहीं चलेगा।
तू जल्दी चलाना चाहते लगवाते हैं अपनी बात कही है गलत तरीका ये नो ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए 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 आप भी बैठिए आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी भारत माननीय मंत्री जी भारत बैठिए भारत माता प्लीज बैठिए भारत माता प्लीज बैठिए प्लीज ब्रदर मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं। इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं गलत गलत तरीका ये आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज जैसे मैंने प्लीज ब्रदर ब्रदर प्लीज भाई पानी ले जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है दिल की आवाज है। उस आवाज की ने मणिपुर में की इसका मतलब भारत माता ने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की है। आप देशभक्त नहीं हो आप देश प्रेमी नहीं हो आप मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज प्लीज बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते इसीलिए आपके मणिपुर में नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान भारत माता मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप एक तो सवाल उठता है एक मिनट बैठिए एक मिनट आप भी बराजे आप भी विराजो आप बैठिए सही नहीं बैठिए रहने दो आप बैठिए आप प्लीज आप बोल रहे फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज मानस प्लीज मानस प्लीज 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 देखिए माननीय सदस्यगण प्लीज माननीय सदस्यगण भारत महामारी माँ है हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं। नो एक गलत तरीका माननीय सदस्य देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है।
फेंक दीजिए। ये पहले आपका उसका नहीं है, गलत तरीका आपका माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है माननीय सदस्य, संसद है। प्लीज बैठिए।